पार्लर में जाके फेशियल में पैसे नहीं उड़ाना चाहते हैं तो आइए नुस्खा इस वीडियो में मैं देती हूँ आपको। हाय, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि एकदम स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ कि फेशियल जैसा निखार आप घर पे कैसे पा सकते हैं, फेशियल घर पे कैसे करें, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जरूर देखिएगा वो वीडियो। बहुत ही सादगी के साथ, मतलब सिंपल सिंपल स्टेप्स मैंने बताए हैं उसमें। आज मैं आपको एक ऐसा फेस पैक बताने वाली हूँ जो मतलब हफ्ते में अगर दो बार आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको फेशियल करवाने की आवश्यकता नहीं है। आपके सारे काम इजीली, किचन में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी और आराम से हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें। आज मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने वाली हूँ जिससे आप अपने चेहरे की चमक, ग्लो वापस ला सकते हैं। अगर स्किन डल हो गई है तो वो ठीक हो जाती है उससे। और ऐसा होता है कि डस्ट पोल्यूशन और सूर्य की सीधी किरणों से हमारा चेहरा बहुत ही मुरझाया मुरझाया सा लगता है, तो उन सब चीज़ों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है, आपको हेल्दी खाना खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, आपको कोल्ड ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं पीना है, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी नहीं पीना है, शराब, स्मोकिंग, जो भी आप सिगरेट विगरेट पीते हैं वो सब बंद कर दीजिए। क्योंकि त्वचा का चमकदार होने के पीछे का कारण होता है कि हम पूरी तरह स्वस्थ हैं, तभी हम अपने चेहरे का ग्लो वापस पा सकते हैं। तो ये तो थी नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये सबको पता है कि हमें ध्यान रखना है, लेकिन सच्ची में ध्यान रखना चाहिए अपना। तो आइए मैं ये फेस पैक आपको बना के दिखाती हूँ। हाँ, इस फेस पैक को जब हम बना रहे हैं उसके बाद मैं आपको प्रिकॉशंस भी बताऊंगी कि आपको कौन से प्रिकॉशंस ऐसे लेने हैं। और इस जो होम रेमेडी हम बना रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी, ये नॉर्मल स्किन के लिए है। लेकिन अगर आपकी स्किन नॉर्मल से ड्राई है या नॉर्मल से ऑयली है तो आपको क्या चेंजेस करने हैं इस फेस पैक में, वो मैं बनाते हुए, रेसिपी बनाते हुए दिखाऊंगी। तो कहीं जाइएगा नहीं, आइए मेरे साथ देखते हैं ये वीडियो। तो देखिए, ये मैंने सारा सामान ले लिया। ये गुलाब जल है, ये दही है एक चम्मच, हनी है, ये मसूर दाल का पाउडर, मतलब ऐसा दरदरा सा पाउडर बनाना है आपको, एकदम महीन नहीं पीसना है। और ये नारियल का पाउडर है, पुरादा क्या बोलते हैं आप लोग पता नहीं, मैंने ये अमेज़ोन से लिया है। तो अभी हम ये बनाना शुरू करते हैं मिश्रण। अभी एक चम्मच ये मैंने ले लिया है, अब मुझे ये स्पून को क्लीन करना पड़ेगा पहले। देखिए दोस्तों, दही में विटामिन सी पाया जाता है जो हमारी स्किन के लिए ना बहुत अच्छा होता है। अगर आप दही में कुछ और मिक्स करके भी नहीं लगाना, सिर्फ दही रोज लगा लेंगे ना, तब भी आपका स्किन टोन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो अभी हम इसमें मिक्स करेंगे आधा चम्मच मसूर दाल का पाउडर। मसूर की दाल में एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं, ये स्किन को रिपेयर करते हैं और मृत कोशिकाएं अगर हैं तो उसको दोबारा से रीडेवलप करते हैं। कोकोनट का जो बुरादा अभी हम डालेंगे वो भी आधा चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है हमको। देखिए इस तरह से, अब मैं इसका भी बता देती, इसमें ना नेचुरल मॉइस्चराइज़र होता है, मतलब इतना मॉइस्चर देता है ये स्किन को कि बहुत ही अच्छा होता है वो, स्किन को एकदम चमकदार बनाने के लिए, यंग रखने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो अभी हम डालेंगे इसमें हनी, हनी आधा चम्मच लेना है आपको। जो हनी होता है दोस्तों, हनी में भी बहुत ही ऐसे अच्छे पोषक तत्व होते हैं, खाने में बहुत फ़ायदेमंद है। चेहरे पे अगर हम इसको लगाते हैं तब भी अच्छा लगता है ये, और स्किन को रिपेयर करता है, मतलब ग्लो अगर हम चाहते हैं तो ये जो हनी होता है, शहद जो है, इसको ऐसे ही नींबू के रस में अगर हम मिला के लगा लेंगे तब भी फ़ायदा देता है ये। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लेंगे। रोज़ वाटर जो है वो आवश्यकता के अनुसार लगेगा, मुझे नहीं ज़रूरत लग रही है कि रोज़ वाटर मिक्स करना है आपको। अगर ये जो मिक्सचर हमने बनाया थोड़ा पतला चाहिए तो आप मिक्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की। देखिए, ये जो पैक बना है ये एकदम नॉर्मल स्किन के लिए है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही लगा सकते हैं। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा, मतलब कील मुहासे बहुत ज़्यादा हैं आपके चेहरे पे, तो इसमें दो बूंद आप विनेगर पाउडर जो होता है वो ऐड कर लीजिए।
स्किन मतलब बहुत ही ज़्यादा अगर टैन हो गई है, काले मतलब भयंकर वाले दाग हो गए हैं चेहरे पे, तो थोड़ा सा चुटकी भर बेकिंग पाउडर और पिंक सॉल्ट एक आता है मार्केट में, आप चाहें तो मैं आपका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी, आप वो ले सकते हैं, अमेज़ोन से लिया है मैंने भी, तो ये मिलाना, ये आपके लिए एक टिप है। दोस्तों अगर आपके जो मुहासे हो गए हैं, उनका मुंह खुल गया है, यानी मुहासे जो होते हैं फट जाते हैं, अंदर से पस निकलता है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो ये जो पैक है ये लगाने से पहले आपको स्टीम देना है, और स्टीम का जो पानी होता है उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मिक्स करें, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और इस पैक को लगाने के बाद आपको थोड़ा सा आराम करना है, मतलब ऐसे नहीं कि ये लगाया और चले गए बाहर काम पे, नहीं, थोड़ा सा शरीर को रिलैक्स होने दीजिए, आँखों पे थोड़ा सा रोज़ वाटर या आलू का रस या कुकुम्बर का एक टुकड़ा ऐसे रख के, और थोड़ा लेटना है आपको, ध्यान रखिए। ये पैक बहुत अच्छा काम की चीज़ है, बहुत अच्छे से काम करता है। और फिर उसके बाद आपको जब ये पैक लगाना है तो स्क्रब जैसे लगाना है आपको, स्क्रब जैसे अच्छे से मसाज कीजिए, मतलब सर्कुलर मोशन से ऐसे ऐसे मसाज करनी है आपको अपने पूरे चेहरे की, गर्दन, पूरा पार्ट, हाथों की, ये जो चीज़ें होती है ना, यहाँ से भी कालापन चला जाता है। उसके बाद 15-20 मिनट तक लगा रहने देंगे और गुनगुने पानी से इसको हम धोएंगे फिर, और धोने के बाद फिर कोई मॉइस्चराइज़र या कोई ऑयल, जिस भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ज़रूर लगाएं। दोस्तों फेस पैक बन गया है, आपने देख लिया है, अच्छे से मात्रा का ध्यान रखिए, और हफ्ते में दो बार आप इसको पक्का लगाना है। वैसे ही जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको, हल्के हाथों से पूरे चेहरे पे मसाज करनी है। पैक लगाने से पहले एक बार कोशिश करें कि आप स्टीम लें, अगर स्टीम लेने का टाइम नहीं है आपके पास तो गुनगुने पानी में एक टॉवल गीला कर लीजिए और पूरे चेहरे को अच्छे से क्लीन करें उससे, और उसके बाद इस पैक को लगाएं। पैक को लगाने के दो ऑप्शन मैं आपको दे सकती हूँ, एक तो आप सीधा पैक लगा लें और जब वो सूख जाएगा उस हाथों को दोबारा से गीला करें और सर्कुलर मोशन में 2-5 मिनट मसाज करें, उसके बाद आप पानी से धो दें। या दूसरा तरीका है कि पहले आप मसाज कर लें पूरा जो पैक है, जैसा बाउल में आपको दिखाया मैंने, वो पूरे हल्के हाथों से गर्दन वाला पार्ट, पूरा चेहरा अच्छे से मसाज कर लें 2-5 मिनट, और उसको लगा रहने दें, 20-25 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद गुनगुने पानी से धोएं। और इस पैक को लगा के आपको धूप में बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपकी स्किन एकदम नाजुक हो चुकी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट स्किन आ गई है, डेड स्किन मोस्टली निकल गई है, एक दो बार और इस्तेमाल करेंगे तो मतलब एकदम नॉर्मल हो जाएगी आपकी स्किन और रंगत सुधरनी शुरू हो जाएगी। आपको सूर्य की सीधी किरणों से अपने चेहरे को बचाना है, और अगर आप बाहर जा रहे हैं, आपको जाना ही है, बहुत ही ज़रूरी काम है आपको, तो अपने चेहरे को अच्छे से कपड़े से ढक के जाएं। और हम आपको सलाह देते हैं कि इस पैक का इस्तेमाल आप रात को सोने से पहले करें, अगर सोने से पहले करेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे मिलेंगे, और वो जो पैक के अंदर जो चीज़ें हमने मिक्स की हैं वो अच्छे से चेहरे के अंदर जाके, रोम छिद्रों के अंदर जाके वो काम करेंगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और कोई और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी आपके पसंदीदा टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं। बाय।